بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم جماعت ششم ہمارا سبجیکٹ ہے اسلامیات ہمارا پہلے دن کا کام ہے جو آج हमने करना है बाब दोम ईमानियात और इबादात हिस्सा बे इबादात इसका उन्वान है अजान फजीलत और अहमियत क्या उन्वान है आज़ान फजीलत और अहमियत तुलबा व तालिबात गुज़िश्ता लेक्चर में हमने बाब दोम ईमानियात और इबादात के हिस्सा अलिफ के बारे पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था अल्लाह ताला पर ईमान तौहीद आज हम बात करेंगे इबादात के हवाले से जिसमें हमारा पहला सबक है आज़ान फजीलत और अहमियत गुज़िश्ता लेक्चर में आपको मैंने इबादात के हवाले से बताया था कि इबादात क्या हैं इबादात जमा है इबादत की इबादात जमा है इबादत की और इसमें तमाम जो हमारे पांच अरकान इस्लाम हैं कौन कौन से तौहीद नमाज रोज़ा ज़कात और हज इन पांचों अरकान इस्लाम को इबादात में शामिल किया जाता है तो जब हम नमाज अदा करते हैं रोज़ा रखते हैं ज़कात अदा करते हैं हज अदा करते हैं तो ये तमाम चीज़ें इबादात में शामिल हैं तुलबा तालिबात आज़ान फजीलत और अहमियत इसके हवाले से आज हमने बात करनी है ये इबादत में शामिल है सबसे पहली बात कि अज़ान किसे कहते हैं अज़ान का मतलब है इतला देने वाला क्या मतलब है इतला देने वाला अज़ान इसका मतलब होता है इतला देने वाला एक दिन में पांच मर्तबा मुसलमानों को नमाज की तरफ बुलाने के लिए आज़ान दी जाती है
कितनी बार अजान दी जाती है? 5 मरतबा। 5 नमाजें हैं तो इस वजह से 5 मरतबा मुसलमानों को नमाज की तरफ बुलाने के लिए अजान दी जाती है। तुलबा तालिबात, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 11 खोलिए। सफ़ा नंबर 11, जी खोल लिया। पेंसिल अपने हाथ में रखिए ताकि साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मानी लिख सकें। जी सफ़ा नंबर 11 खोल लीजिए। आज़ान के लफ्जी मानी इतला देने या ऐलान करने के हैं, इसे अंडरलाइन कीजिए। आपसे MCQs में ये पूछा जा सकता है। मुसलमानों को बाजमात नमाज की अदायगी के लिए बुलाने की गर्ज से जो अल्फाज बुलंद आवाज़ में पुकारे जाते हैं इन्हें आजान कहते हैं। क्या है ये आजान की तारीफ बताई गई है? दोबारा सुनिए। मुसलमानों को बाजमात नमाज की अदायगी के लिए बुलाने की गर्ज से जो अल्फाज बुलंद आवाज़ में पुकारे जाते हैं इन्हें आजान कहते हैं। अगर आपसे मुख्तसर सवाल में आजान की तारीफ़ पूछी जाए तो आप इसे लिखेंगे, अंडरलाइन कर लीजिए। जी कर लिया है। आगे देखिए, आजान मुसलमानों का इम्तियाजी निशान है। क्या है इम्तियाजी निशान? इम्तियाजी का मतलब होता है अलग करना। अल्फाज मानी साथ साथ लिख लीजिए। इम्तियाजी क्या मतलब है इसका? अलग करना। लिखिए, ये आवाज़ हर रोज़ 5 वक्त की नमाज का बुलावा बनकर पूरी दुनिया में बुलंद होती है। आप देखिए कि जब आज़ान दी जाती है तो 5 मरतबा दिन में आज़ान दी जाती है और बुलंद आवाज़ में। क्यों? ताकि तमाम लोग नमाज अदा करें और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। आज़ान में अल्लाह ताला की बड़ाई का बयान, उसकी बंदगी की शहादत, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रिसालत का इकरार, नीज नमाज पढ़ने और भलाई पाने की
दावत शामिल है। क्या क्या बताया गया? सबसे पहले अल्लाह ताला की बड़ाई का बयान, यानी अल्लाह ताला की अजमत का बयान। उसके बाद दूसरे नंबर पर है उसकी बंदगी की शहादत। शहादत का मतलब गवाही। उसके बाद उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की रिसालत का इकरार। नीज नमाज पढ़ने और भलाई पाने की दावत शामिल है। बुनियादी तौर पर ये आपको आज़ान के तर्जुमे की वजाहत की गई है। आप देखिए, जब मौज़िन कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इसका क्या मतलब है? अल्लाह सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला की बड़ाई यानी अजमत बयान की गई। उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्फाज कितनी बार कहे जाते हैं? दो मर्तबा। इसका क्या मतलब है कि इसमें अल्लाह ताला की शहादत बयान की जा रही है, ठीक है। इसके बाद उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रिसालत का इकरार। क्या है तीसरा जुमला आज़ान का? अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो इसमें क्या बताया गया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रिसालत बयान की गई। उसके बाद नमाज पढ़ने की तरफ बुलाया जाता है, हैया अलस्सलाह हैया अलस्सलाह, इसका मतलब होता है और चले आओ, सॉरी और नहीं, चले आओ नमाज की तरफ। क्या मतलब है? चले आओ नमाज की तरफ। और उसके बाद आखिर में बताया गया कि भलाई पाने की दावत शामिल है, हैया अलल फलाह हैया अलल फलाह। फलाह का मतलब होता है भलाई। तो आपको बताया गया कि आज़ान में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। दोबारा सुनिए, सबसे पहले अल्लाह ताला की बड़ाई का बयान, उसके बाद बंदगी की शहादत, नंबर तीन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रिसालत का इकरार, उसके बाद नंबर चार पर नमाज पढ़ने की दावत, और नंबर पाँच भलाई पाने की दावत। कुल पाँच चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। इसके अलावा तुलबा तालिबात, एक बात मैं आपको बताऊं कि जो फजर की आज़ान है उसमें एक जुमला इजाफी बोला जाता है, वो बाकी आज़ानों में नहीं बोला जाता। कौन सा है आप जानते होंगे? जी सुनिए, वो जुमला है जो फजर की आज़ान में बोला जाता है, क्या है? अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। क्या है? अस्सला
तो खैरुम मिनन नौम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है नमाज नींद से बेहतर है। सामने देखिए बोर्ड पर। वैसे तो आपको जो अज़ान में चीज़ें शामिल हैं आपकी किताब में बयान कर दी गई, और मैंने यहाँ आपको लेक्चर के दौरान अज़ान के कलमात पढ़कर सुनाए और उनका मफहूम बता दिया। लेकिन एक अज़ान जो फजर की अज़ान है उसमें एक इजाफी जुमला बोला जाता है। कौन सा जुमला है? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। जी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलात का मतलब नमाज, खैरुम बेहतर, मिन का मतलब से, और अन्नौम कहते हैं नींद, नींद हो। तो इसका तर्जुमा क्या बनेगा? नमाज नींद से बेहतर है। नमाज नींद से बेहतर है, ये जुमला बोला जाता है सिर्फ फजर की अज़ान में। दो मर्तबा इस जुमले को दोहराया जाता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। तुलबा तालिबात, यहाँ पर ये बताने का मकसद आपको ये है कि आपको इसके हवाले से मालूम होना चाहिए। जी, आगे देखिए। आज़ान की इब्तदा यानी आज़ान का आगाज़ कब हुआ, कैसे हुआ? वाक़िए मेराज के वक्त से ही मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ हो चुकी थी। वाक़िए मेराज यानि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने आसमानों की सैर की थी, उस वक्त अल्लाह ताला ने सबसे पहले 50 नमाजों का हुक्म दिया था। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए 50 नमाजें अदा करना मुश्किल है, तादाद कम की जाए। तो अल्लाह ताला ने 40 नमाजें कर ली। फिर दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने यही फरमाया कि नमाज की तादाद कम की जाए। इसी तरह करते करते 35, फिर 30, 25, 20, यहाँ तक के अल्लाह ताला ने 10 नमाजें मुकर्रर फरमा दी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मेरी उम्मत 10 नमाजें भी अदा नहीं कर सकती। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने 5 नमाजें फ़र्ज़ कर दी। समझ आया आपको वाक़िया मेराज के हवाले से कि ये किस तरह से नमाज फ़र्ज़ की गई? जी, मगर मक्का मुकर्रमा में कुफार के शर की वजह से मुसलमान अलल आलान और बाजमात नमाज अदा ना कर सकते थे। यानी आपको पता है
कि जब कुफारे मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर मुख्तलिफ किस्म के जुल्म करते थे और वो मुसलमानों को नमाज की अदायगी से भी रोकते थे, तो उस वक्त मुसलमान अलल आलान यानी खुलम खुला जमात के साथ नमाज अदा नहीं कर सकते थे। मानी लिख लीजिए, शर, शर का मतलब होता है बुराई, शर इसका मतलब है बुराई। अलल आलान क्या लफ्ज़ है? अलल आलान इसका मतलब होता है खुलम खुला। क्या मतलब है खुलम खुला? यानी आज़ादाना तौर पर। लिखिए, हिजरत के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और मस्जिद नबवी की तामीर हो चुकी तो ज़रूरत पेश आई कि मुसलमानों को नमाज बाजमात के लिए कैसे बुलाया जाए, यानी इस बात की ज़रूरत पेश आई कि किस तरह से बुलंद आवाज़ में इस बात का ऐलान किया जाए कि नमाज अदा की जाए, तो उस वक्त अज़ान की इब्तदा हुई। एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ख़िदमत अक़दस में हाज़िर हुए। तुलबा व तालिबात, यहाँ किताब में मेरे पास एक लाइन नहीं लिखी हुई, प्रिंटिंग में मिस्टेक है, इसके बाद बताया ये गया होगा जो लाइन यहाँ पर नहीं लिखी गई कि एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो उन्होंने एक मतलब कि यहाँ जो लाइन मिस है उसमें कोई ख्वाब बयान किया गया है, आप अपनी किताब पर देखिए वहाँ से ये लाइन पढ़िए, उसके बाद अगली लाइन देखिए, अल्लाहु अकबर पुकार रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ख्वाब सच्चा है। कुछ देर बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी यही ख्वाब आकर सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने तस्दीक फरमाई कि मुझे वही के ज़रिए आज़ान की तालीम दी जा चुकी है। वही, वही का क्या मतलब है? इशारा करना। इशारा करना या पैगाम पहुंचाना। पैगाम पहुंचाना।
यानी दो सहाबी जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होते हैं और अपना ख्वाब बयान करते हैं। दोनों का ख्वाब एक जैसा है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे वही के ज़रिए आज़ान की तालीम दी जा चुकी है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आज़ान के अल्फाज तालीम फरमाए, यानी उनको सिखाए और उनको आज़ान देने पर मामूर फरमाया। सबसे पहले जो आज़ान दी थी वो किन्होंने दी? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मामूर का मतलब आप लिख लीजिए, मामूर का मतलब है मुकर्रर। क्या मतलब है मुकर्रर? तुलबा व तालिबात, यहाँ तक हमारा पहले दिन का काम मुकम्मल हुआ। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, अब हम दूसरे दिन का काम करेंगे। हमारा दूसरे दिन का काम है पढ़ाई, सफ़ा नंबर 12। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 12 खोल लीजिए। जी, खोल लिया। मुसलमानों की ज़िंदगी में आज़ान को ख़ास अहमियत हासिल है। दुनिया में मौजूद मज़ाहिब मज़हब की जमा है। मज़ाहिब ये जमा है, किसकी जमा है? मज़हब की, ये वाहिद है। हमारा मज़हब क्या है? इस्लाम। इसी तरह से दुनिया में और भी बहुत से मज़ाहिब मौजूद हैं, मसलन यहूदियत, ईसाइयत, हिंदू मत, बुद्ध मत। कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि अगर एक मज़हब के हवाले से बात की जाए, मसलन लिखा गया हो अगर कि इस्लाम एक मज़हब है, अगर दो मज़ाहिब अगर दो हों, यानी इस्लाम और इसके साथ कोई दूसरा मज़हब शामिल हो, मसलन यहूदियत, तो फिर क्या होता है लफ्ज़ यूज़? फिर हम मज़ाहिब का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ये आपको वैसे ही आपके नॉलेज के लिए बताया जा रहा है कि और कौन कौन से मज़ाहिब दुनिया में पाए जाते हैं। सबसे पहले इस्लाम, यहूदियत, ईसाइयत, बुद्ध मत,
हिंदू मत, जैन मत, ये क्या हैं? मजाहिब के नाम। कौन कौन से मजाहिब आपको यहाँ पर बताए गए? देखिए, इस्लाम, यहूदियत, ईसाइयत, बुद्ध मत, हिंदू मत और जैन मत, ये सब मजाहिब के नाम हैं जी। आगे देखिए, जो हमारा टॉपिक है उस हवाले से अब हम पढ़ेंगे। दुनिया में मौजूद मजाहिब में इबादत के लिए बुलाने के मुख्तलिफ तरीक़े हैं, जबकि मुसलमानों का तरीक़ा आज़ान मुनफरिद और यकता है। मुनफरिद अलग, यानी जो मुख्तलिफ मजाहिब हैं, जैसे ये आपको मजाहिब के नाम लिखकर बताएंगे कि इन मजाहिब में लोगों को इबादत के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से बुलाया जाता है, लेकिन मुसलमानों के यहाँ जो तरीक़ा है वो मुनफरिद है, अलग है। वो कौन सा तरीक़ा है? वो तरीक़ा है आज़ान। मुनफरिद का मतलब लिख लीजिए आज़ान। सॉरी, मुनफरिद का मतलब है अलग। मुनफरिद का मतलब है अलग। और क्या है मुनफरिद तरीका? अलग तरीका, आज़ान। आज़ान से अल्लाह ताला की बुजुर्गी वाज़े होती है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नबूवत मिलती है, सॉरी नबूवत की शहादत मिलती है। नीज इंसान को इसकी फलाह और कामरानी का पैगाम दिया जाता है, फलाह और कामरानी। इसका क्या मतलब है? बेहतरी और कामयाबी, फलाह का मतलब है बेहतरी और कामरानी का मतलब है कामयाबी। लिख लीजिए हर मुसलमान को चाहिए कि जो ही वो आज़ान के अल्फाज सुने तो उन अल्फाज को मुअज्जिन के साथ साथ हल्की आवाज़ में दोहराए। जो ही, जैसे ही, यानी जैसे ही मुसलमान आज़ान के अल्फाज सुने तो जो जो आज़ान देने वाला मुअज्जिन कह रहा है उन अल्फाज को दोहराया जाए। मुअज्जिन क्या लफ्ज़ है? मुअज्जिन, कुछ लोग इसको मुअज्जन पढ़ते हैं जो दुरुस्त नहीं है, इसका तलफ़ुज़ है मुअज्जिन। मुअज्जिन कहते हैं आज़ान देने वाले को। क्या लफ्ज़ है? मुअज्जिन। ज़ाल के नीचे ज़ेर है, कुछ लोग इसको मुअज्जिन पढ़ते हैं जो के दुरुस्त नहीं। सही लफ्ज़ है मुअज्जिन। क्या है मुअज्जिन? ये गलत है, इस तरह से नहीं पढ़ना। मुअज्जिन
मुअज्जिन का मतलब है आजान देने वाला, आजान देने वाला। मुअज्जिन को इस्लामी मुआशरा में बुलंद मुकाम हासिल है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुअज्जिन रसूल थे। इसे आप अंडरलाइन कीजिए। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि मुअज्जिन रसूल कौन थे, तो आप लिखेंगे हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुअज्जिन रसूल थे। इसलिए बड़े बड़े जय्यद सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम उनको सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हमारे सरदार बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह कर मुखातिब करते थे। यानी इसमें आपको ये बताया गया कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने आज़ान देने के लिए मुकर्रर फरमाया था, इस वजह से जितने भी बड़े बड़े सहाबा कराम थे वो सब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सैयदना बिलाल क्या लफ्ज़ है, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी हमारे सरदार बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहकर पुकारते थे। मुखातिब का मतलब है पुकारना। मुखातिब क्या मतलब है, पुकारना। तुलबा तालिबात, आपकी किताब में जो लफ्ज़ लिखा है सैयदना, ये दाल के ऊपर पेश डाला गया है, लेकिन इसको ज़्यादातर इस तरह से पढ़ा जाता है सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आगे देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने आज़ान की फजीलत बयान करते हुए फरमाया अल मुअज्जिनून अतवलुन नासी आनाकन यौमल क़ियामा। तर्जुमा, क़यामत के रोज़ आज़ान देने वालों की गर्दनें तमाम लोगों से ज़्यादा बुलंद होंगी, यानी उनको जो लोग आज़ान देते हैं उनको अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ बुलंद मुकाम अता फरमाएंगे। बुक पर देखिए, गोया अल्लाह ताला रोज़े क़यामत इन लोगों को आज़ान के बाइस बुलंद मुकाम अता फरमाएंगे। हज़रत अबू हुर्रेरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया आज़ान की वजह से मुअज्जिन की मग़फ़रत कर दी जाती है। क्या है कि जो आज़ान देने वाला है मुअज्जिन है उसकी मग़फ़रत कर दी जाती है, मग़फ़रत यानी बख्शिश फरमा दी जाती है।
مغفرت بخشش بخشش فرمانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے حتیٰ کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرا ڈالنا پڑے۔ آپ جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو آپ کوشش کیا کریں کہ پہلے جائیں، وقت پر جائیں تاکہ پہلی صف میں آپ کو جگہ ملے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ قرا کا مطلب ہے پرچی۔ کیا مطلب ہے پرچی؟ پرچی ڈالنا۔ ایک سچا مسلمان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو فوراً اپنا آرام اور کام کاج چھوڑ کر مسجد جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جب بار بار اس کے کانوں میں اپنے رب کا یہ پیغام پہنچتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط تر ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اپنے رب کی عظمت ہمیشہ کے لیے بس جاتی ہے، اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی فلاح نماز کی ادائیگی ہی میں ہے۔ بچوں، آپ کو چاہیے کہ جب آپ کے کان میں اذان کے الفاظ پڑھیں تو آپ فوراً اپنے تمام کام چھوڑ کر اذان کے الفاظ توجہ سے سنیں اور ان کا جواب دیں۔ عظمت کا کیا مطلب ہے؟ بڑائی۔ عظمت، بڑائی۔ آگے دیکھیے صفحہ نمبر 13۔ صفحہ نمبر 13 نکال لیجئے۔ اذان کے فضائل، کہ ہمیں اذان کی جو فضیلت ہے اس کے فضائل کیا ہیں، اس سے انسان کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1، اذان کی آواز انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا خیال پیدا کرتی ہے، یعنی عظمت کا خیال پیدا کرتی ہے۔ نمبر 2، اذان سنتے ہی انسان دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، گویا دنیا کی بجائے دین سے رغبت پیدا ہوتی ہے۔ رغبت کیا لفظ ہے؟ رغبت، اس کا مطلب ہے شوق۔ شوق۔ نمبر 3، جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 4، اذان دینے والے مقام پر
अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। नंबर 5, आज़ान इंसान में वक्त की पाबंदी का ख़्याल पैदा करती है। तुलबा तालिबात, आप देखिए कि 5 नमाज़ें हैं और 5 बार आज़ान दी जाती है और हर एक नमाज का एक वक्त मुकर्रर है, तो इससे क्या होता है, वक्त की पाबंदी का एहसास पैदा होता है। नंबर 6, आज़ान मुसलमानों में इत्तहाद और इत्तफाक की दावत है। नंबर 7, आज़ान की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक मौजूद हर चीज़ क़यामत के दिन आज़ान देने वाले के हक में गवाही देगी, यानी जहाँ तक भी आज़ान की आवाज़ पहुँचती है जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उस जगह तक, वो क़यामत के रोज़ जो शख्स आज़ान दे रहा है उसकी गवाही देंगी कि इस वक्त इस शख्स ने आज़ान दी थी। नंबर 8, मुअज्जिन पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। नंबर 9, अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ मुअज्जिन की इज़्ज़त अफजाई फरमाएंगे। और नंबर 10 है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आज़ान की आवाज़ सुनकर उसका जवाब देने वाले की शिफ़ात फरमाएंगे। क्या है शिफ़ात? शिफ़ात का मतलब है सिफारिश। क्या मतलब है सिफारिश? तुलबा व तालिबात, ये थे आज़ान के फ़ज़ाइल। हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि जब आज़ान की आवाज़ हमारे कानों में पड़े तो हम सबको चाहिए कि हम अपने तमाम काम छोड़कर आज़ान गौर से सुने और आज़ान के अल्फाज का जवाब दें, यानी जो अल्फाज मुअज्जिन अदा कर रहा है उन अल्फाज को दोहराएं। इससे क्या होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इंसानों की यानी हमारी शिफात फरमाएंगे। तुलबा व तालिबात, हमारा दूसरे दिन का काम मुकम्मल हुआ। अब हम तीसरे दिन का काम करेंगे। हमने तीसरे दिन के काम में मशकी सवालात करने हैं। जी, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 13 खोलिए। सफ़ा नंबर 13, पहला सवाल है, देखिए सफ़ा नंबर 13 पर, आज़ान के लफ्ज़ी मानी और उसकी अहमियत बयान करें। क्या है आज़ान के लफ्ज़ी मानी
और उसकी अहमियत बयान करें। सफ़ा नंबर 11 खोलिए, पेज नंबर 11। पहली दो लाइनें अजान के लफ्ज़ी मानी इतला देने या ऐलान करने के हैं। यहाँ से लेकर आप लिखेंगे, इन्हें अजान कहते हैं। क्या है, दोबारा सुनिए। अजान के लफ्ज़ी मानी इतला देने, यहाँ से लेकर इन्हें अजान कहते हैं। यहाँ तक निशान लगा लीजिए। उसके बाद सफ़ा नंबर 12, सफ़ा नंबर 12 खोलिए। अहमियत, पेंसिल से आप हेडिंग लिखिए, अहमियत। पहला पैराग्राफ, मुसलमानों की ज़िंदगी में अजान को ख़ास अहमियत हासिल है। यहाँ से लेकर पैगाम दिया जाता है, यानी पहला पैराग्राफ मुकम्मल लिखेंगे। एक बार फिर सुनिए, सफ़ा नंबर 11 पर पहली दो लाइनें कहाँ तक, इन्हें अजान कहते हैं। उसके बाद सफ़ा नंबर 12 पहला पैराग्राफ, मुसलमानों की ज़िंदगी में अजान को ख़ास अहमियत हासिल है। यहाँ से लेकर पैगाम दिया जाता है, यहाँ तक इस सवाल का जवाब है, निशान लगा लीजिए। सवाल नंबर 2, अजान की फजीलत बयान करें। अजान की फजीलत बयान करें। सवाल नंबर 2, अजान की फजीलत बयान करें। सफ़ा नंबर 12 खोल लीजिए, सफ़ा नंबर 12। जी लिखिए, सॉरी निशान लगाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अजान की फजीलत बयान करते हुए फरमाया। यहाँ से इस सवाल का जवाब शुरू होगा। ये जो ब्लॉक में लिखा गया है, यहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अजान की फजीलत बयान करते हुए फरमाया। यहाँ से इस सवाल का जवाब शुरू होगा। और कहाँ तक है, कुर्रा डालना पड़े। क्या है, कुर्रा डालना पड़े। यहाँ तक निशान लगाइए। पहले आप यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद आगे देखिए। सफ़ा नंबर 13, सफ़ा नंबर 13 आप हेडिंग लिखेंगे, अजान के फ़ज़ाइल, अजान के फ़ज़ाइल। और ये जो 10 नुकात लिखे गए हैं, 10 फ़ज़ाइल लिखे गए हैं, ये आप लिखेंगे। कहाँ तक, शिफात फरमाएंगे, यहाँ तक। दोबारा सुनिए, पहले आप सफ़ा नंबर 12 से लिखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अजान की फजीलत बयान करते हुए फरमाया।
यहाँ से लेकर कुर्रा डालना पड़े। यहाँ तक लिखने के बाद आप सफ़ा नंबर 13 पर आजान के जो फ़ज़ाइल दिए गए हैं, 10 फ़ज़ाइल दिए गए हैं, कहाँ तक शिफात फरमाएंगे, यहाँ तक निशान लगा लीजिए। यहाँ तक आपने ये लिखना है जी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, आज़ान की इब्तदा कैसे हुई? आज़ान की इब्तदा कैसे हुई? इब्तदा कहते हैं आगाज़ को जी। सफ़ा नंबर 11 निकाल लीजिए, पेज नंबर 11। आज़ान की इब्तदा, हेडिंग लिखेंगे पहले आप, उसके बाद वाक़िए मेराज के वक्त से निशान लगाइए, वाक़िए मेराज के वक्त से। यहाँ से लेकर मामूर फरमाया एंड तक, पेज नंबर 11 की आखिरी लाइन, मामूर फरमाया, यहाँ तक इस सवाल का जवाब है, निशान लगा लीजिए जी। अगला सवाल है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जो दुरुस्त जवाब है उस पर आपने टिक का निशान लगा देना है। नंबर 1, आज़ान के लफ्जी मानी क्या हैं? अलिफ़ ऐलान करना, बे हुक्म देना और जीम याद करना। तो इसका दुरुस्त जवाब है अलिफ़ ऐलान करना। अलिफ पर आप टिक का निशान लगा दीजिए। अगला देखिए, नंबर 2, आज़ान की आवाज़ दिन में कितनी मर्तबा बुलंद होती है? ऑप्शन अलिफ़ 3, बे 4 और जीम है 5। तो क्या है इसका दुरुस्त जवाब? 5। 5 पर आपने टिक का निशान लगा देना है अगला देखिए, नंबर 3, आज़ान की आवाज़ बुलंद करने वाले को क्या कहते हैं? अलिफ़ मौज़िन, बे मुफ्ती और ऑप्शन जीम है अमाम। क्या कहते हैं? मौज़िन, मौज़िन, मौज़िन पर आप टिक का निशान लगा दीजिए। नंबर 4, आज़ान सुनते ही शैतान पर क्या असर होता है? अलिफ़ खुश होता है, बे भागता है और जीम रो पड़ता है। तो क्या है? भागता है। बे पर आप टिक का निशान लगा लीजिए, भागता है।
बे पर आपने टिक का निशान लगा देना है। क्या है? भागता है। भागता है। अगला देखिए, नंबर 5। आजान की आवाज से मुसलमान पर क्या असर पड़ता है? अलिफ, ईमान मजबूत होता है, बे परेशान होता है, और जीम रोता है। तो क्या है? ईमान मजबूत होता है। नंबर 5, ईमान मजबूत होता है। इस पर आपने टिक का निशान लगा देना है। हमारा सवाल नंबर 2 मुकम्मल हुआ। अब हमने सवाल नंबर 3 करना है। सवाल नंबर 3 जी देखिए, क्या है? सवाल नंबर 3 दुरुस्त जवाब के सामने सही और गलत जवाब के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। पहला है नंबर 1, देखिए, आजान के लफ्जी मानी इतला देने के हैं, दुरुस्त है या गलत? बताइए, ये दुरुस्त है। तो जो दुरुस्त ब्लॉक बनाया गया है, दुरुस्त के सामने आप इसका निशान लगा दें, टिक का। अगला देखिए, नंबर 2। आजान की आवाज़ सिर्फ पाकिस्तान में बुलंद होती है। जी, ये गलत है। गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। नंबर 2, इसका जवाब था गलत के सामने क्रॉस का निशान। अगला देखिए, नंबर 3। हुजूर अकरम हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो मस्जिद नबवी तामीर हो चुकी थी। जी, बिल्कुल दुरुस्त है। दुरुस्त के सामने टिक का निशान लगा दीजिए। अगला देखिए, नंबर 4। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आज़ान के अल्फाज सिखाए। नहीं, ये गलत है। किसको सिखाए थे आज़ान के अल्फाज? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। तो आप गलत के सामने क्रॉस का निशान लगा दीजिए। अगला देखिए, नंबर 5। आजान कहने वाले को मुअज्जिन कहते हैं। जी, बिल्कुल दुरुस्त है। आप निशान लगाइए। दुरुस्त के सामने
सही का निशान लगा दीजिए। तुलबा तालिबात, हमारा सवाल नंबर 3 मुकम्मल हुआ। अब हमने सवाल नंबर 4 करना है। सवाल नंबर 4, खाली जगह पूर्ण करें। खाली जगह पूर्ण करें। नंबर 1, आजान के लफ्जी मानी डैश के हैं जी, क्या है? इतला देना या ऐलान करना, दोनों लिख लीजिए आप। इतला देना। या ऐलान करना। अगला देखिए, नंबर 2, नमाज बाजमात अदा करने का ऐलान डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? आजान। डैश में लिखेंगे आजान। नंबर 3, मक्का में कुफ्र के डैश की वजह से मुसलमान बाजमात नमाज अदा नहीं कर सकते थे। डैश में आ जाएगा शर। शर का क्या मतलब आपको लिखवाया था? बुराई। डैश में आप लिख देंगे शर। नंबर 4, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने डैश को आज़ान के अल्फाज सिखाए। क्या है? किसको सिखाए थे? हज़रत बिलाल रदियल्लाहु तआला अन्हो। हज़रत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हो। अगला देखिए, नंबर 5, आजान कहने वाले को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? मुअज्जिन। डैश में लिखेंगे मुअज्जिन। नंबर 6, आजान कहने वाला बंदों को डैश के लिए पुकारता है जी, क्या लिखेंगे आप डैश में? नमाज। नमाज के लिए पुकारता है। डैश में आप लिख देंगे नमाज। नंबर 7, मौज़िन का इस्लामी माशरे में डैश मुकाम है। क्या मुकाम है? बुलंद। डैश में आ जाएगा बुलंद। बुलंद मुकाम है। नंबर 8, आजान के वक्त शैतान पर डैश तारी हो जाता है। क्या तारी हो जाता है? खौफ। डैश में आप लिख दें खौफ। क्या है? खौफ। अगला देखिए, नंबर 9, आजान मुसलमानों में इत्तेहाद और डैश की दावत है।
किसकी दावत है? इत्फाक, इत्तेहाद और इत्फाक। तो डैश में आप लिख देंगे इत्फाक जी। तुलबा व तालिबात, हमारा सवाल नंबर 4, खाली जगह पुर करें, मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही हमारा तीसरे दिन का काम मुकम्मल हुआ और हमारा बाब दोम ईमानियात और इबादात हिस्सा बे इबादात, जिसमें हमने सबक पढ़ा है आज़ान फजीलत व अहमियत, ये हमारा सबक मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको इस सबक को समझने में आसानी होगी। अगर आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, बार बार सुनें, पढ़ें, याद करें और फिर लिखें। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की मुश्किल पेश आए तो आप इस वीडियो के आखिर में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।